कि लास्ट वीडियो में काफी हद तक आप स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में जान चुके होंगे। आज हम लोग अपना काम मजीद आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा था कि हमें स्पेस में किसी भी बॉडी को ले जाकर उसे मूव करा के ये पता करना है कि स्पेस में जो वर्क डन है वो कैसे होता है। फर्स्ट कह लीजिए कि ये हमारी बॉडी है जिसे हम लोग जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव करा रहे हैं। मुझे इस पर किया जाने वाला वर्क डन फाइंड आउट करना है और ये भी बताना है कि अगर मैं इसे जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कराते कराते एक इन्फिनिटी डिस्टेंस एन तक ले जाऊँ तो कि यहाँ तो क्या यहाँ तक जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स रिएक्ट करेगी। पहले तो यहाँ तक की बात है ना कि मैं ज़मीन से जिस्म को कुछ बुलंदी तक ले आई हूँ, तकरीबन ज़मीन की सरफेस से 400 किलोमीटर के फासले पर ले आई हूँ, और ज़मीन के सेंटर से कोई भी जिस्म ऊपर आया है और ज़मीन का जो रेडियस है वो तकरीबन 6400 किलोमीटर होता है, और ज़मीन का जो मैस है मैस ऑफ अर्थ वो 6×10^24 है। इस बॉडी का मैस फर्स्ट कर लेते हैं कि तकरीबन 200 kg है, और ये ज़मीन का सेंटर है, इसे मैं आर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये सेंटर है ज़मीन का। तो मुझे इस बॉडी को ज़मीन के सेंटर से यहाँ तक मूव कराने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ा है ना, और वो वर्क डन जो है इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में महफूज हो जाता है, क्योंकि हम जब भी किसी जिस्म को ज़मीन से बुलंदी की तरफ लाते हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, चूँकि वो ज़मीन की कशिश की वजह से जो है बुलंदी की तरफ जा रहा होता है। ज़मीन अब चूँकि इस जिस्म को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है और हम इसे अपवर्ड मूव करा रहे हैं, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड है, लेकिन जो इस पर फोर्स रिएक्ट कर रही है वो तो डाउनवर्ड है। तो हमारा जो वर्क डन है इस वक्त, जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर है इस जिस्म के अंदर, वो हमेशा एफ डी कोस थीटा के इक्वल ही है। और चूंकि अब दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो कॉस 180 हो गया, यानी कि 180 का इनमें जाविया बन रहा है जो कि कॉस 180 है, और कॉस 180 मुझे मालूम है कि -1 होता है, तो ये यानी कि माइनस जो माइनस एफ डी हो जाएगा, और ये जो एफ है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी, तो हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस ऑफ द वर्क डन हो जाती है। इसे अगर मैं इस तरह से समझाऊं कि ये वो हमारी अर्थ है जिसके अंदर हम इस बॉडी को रोटेट मूव करा रहे हैं, यानी कि इस बॉडी को हम ज़मीन की सेंटर से ऊपर लेके जा रहे हैं ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो इस बॉडी पर लगने वाला जिस बॉडी पे काम हो रहा है हमें वो मालूम करना है जो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर है। तो हमें मालूम है कि जो एफ जी है, एफ जी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसे हम लोग न्यूटन के कानून से आसानी से बता सकते हैं। न्यूटन ने कहा था कि जब भी ज़मीन और किसी और जिस्म के दरमियान ग्रेविटेशन के फोर्स का मुताला किया जाए तो वो हमेशा इनके मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है डी उसके इन स्फीयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि अगर ये मास ऑफ अर्थ है और ये मास ऑफ द बॉडी है तो मैं इसकी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहूँ तो वो माइनस जी एम मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई डी स्केयर इस तरह से निकलती है। इस माइनस साइन को हमने कहा कि इग्नोर कर दें, क्योंकि हमें मालूम है ये माइनस एक तो 180 एंगल की वजह से आता है, दूसरा ये कि हम लोग ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ज़मीन इसे अपनी तरफ खींच रही है और हम इसे ज़मीन की सेंटर से दूर लेके जा रहे हैं, तो इस वजह से ग्रेविटी के मुखालिफ काम करने की सूरत में भी नेगेटिव साइन आ सकता है। इसे आसानी से इस तरह से भी समझा जा सकता है। अब जो है मैं इसकी वैल्यू अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लगाऊँ जो कि हमारी एफ जी इंटू डी थी, तो अब एफ जी की जगह अगर मैं उसकी वैल्यू लगाऊँ तो मेरे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है, ये डी स्केयर इंटू डी, ये दोनों डी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास सिर्फ एक डी बन जाएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज़, यानी इन दो जिस्म के दरमियान जो टोटल फासला है उससे हम लोग इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले से हम ज़मीन पर ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, जी हाँ ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी बॉडी पर किया जाने वाला वर्क आसानी से मालूम कर सकते हैं। जैसे कि इस रॉकेट पर भी तो कुछ ना कुछ वर्क किया जा रहा है ना इसे ज़मीन की सरफेस से बाहर पहुंचाने के लिए, तो इस पर भी किया जाने वाला वर्क हम आसानी से इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। जी चूँकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा जो है 6.67×10^-11 ही रहेगी,
मास ऑफ अर्थ हमें मालूम है कि वो 6 × 10^24 है। मास ऑफ बॉडी चाहे इस रॉकेट का हो या इस बॉडी का जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्ट में बात की थी, जिसका तकरीबन 200 kg वेट था, वजन वो मास था 200 kg उसके बारे में, और जो डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस का मसला है, इस डिस्टेंस को कैसे सॉल्व करना है। हमें मालूम है कि ये हमारी अर्थ थी, हम जो है अपने जो बॉडी है उसे ज़मीन की सरफेस से उठाकर तकरीबन 400 किलोमीटर की बुलंदी पर ले गए हैं। ज़मीन की सरफेस से उठाया तो तकरीबन यहाँ तक तो ज़मीन का रेडियस था जो कि 6400 किलोमीटर है, यहाँ पर भी मीटर होना चाहिए था, किलोमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, जितना हम उस जिस्म को ज़मीन की सरफेस से ऊपर ले गए हैं, इनको प्लस करना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों इंसान के मरकज़ से इनका टोटल डिस्टेंस मालूम होगा। जैसे कि 6400 है और प्लस 400, तो ये तकरीबन 6800 किलोमीटर बन जाता है। ये वाला डिस्टेंस हम उस फॉर्मूले में लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा, हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी जो कि जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डी है। अब जी की वैल्यू लगाई जाए तो ये 6.67 × 10^-11 मास ऑफ अर्थ जो है वो हमने स्टार्ट में बताया 6 × 10^24 है। मास ऑफ बॉडी जो है हमारी 200 kg की थी और जो इनके दरमियान हमारा डिस्टेंस है जिसे हमने अभी फाइंड आउट किया है वो तकरीबन 6800 किलोमीटर है। तो इसे सॉल्व करने से हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है वो तकरीबन 1.175 × 10^13 जूल्स आती है, यानी कि इतनी हमारे पास एनर्जी आती है उस जिस्म को यहाँ ज़मीन की सरफेस से ले जाकर यहाँ तक मूव कराने में। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर सकते हैं। अब अगर मैं इस तरह से कहूँ कि मैं ज़मीन की सरफेस से इस जिस्म को मूव कराते कराते एक पॉइंट ए से मूव शुरू कराया था मैंने इसका, अब इसे मैं कहती हूँ कि मैं इसे मूव कराते कराते एक पॉइंट एन तक ले गई हूँ जिसे मैं इन्फिनिटी कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये पॉइंट कौन सा है, ये 10,000 था, 20,000 है, ये कितने किलोमीटर के फासले पर है, इसे हम लोग इन्फिनिटी कह देते हैं, फर्क कह लेते हैं कि ये लामहदूद फासले तक हम इसे ले गए हैं। तो अगर इस फासले पर जाकर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी की मालूम करूँ, इसे जिसे मैं एन पॉइंट तक ले गई हूँ इस बॉडी को, तो वो भी आसानी से मालूम की जा सकती है कि जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी वैसे ही और डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। इस बॉडी को यहाँ तक ले जाने के लिए इसके सेंटर और ज़मीन के सेंटर से डिस्टेंस मेजर कर लिया जाता है जिसे हम डी कहते हैं। अब मुझे तो मालूम नहीं कि मैं इन्फिनिटी तक गई हूँ कि वो इन्फिनिटी जो वैल्यू है एन तक वो कौन सी वैल्यू थी, तो उसकी जगह मैंने कहा मैं इन्फिनिटी रख देती हूँ, यानी कि इस पॉइंट एन तक बॉडी को डिस्प्लेस करते हुए मुझे नहीं मालूम कि ये एन पॉइंट कौन सा, ये एन एक टर्म है सिंपल जैसे जनरल टर्म होती है एन, उसे मैंने इन्फिनिटी फर्ज कर लिया। तो अब मैं स्केप वेलोसिटी वो जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो आसानी से बता सकती हूँ कि ये डी की जगह अब मैं इन्फिनिटी लगा दूँ। तो मैथ्स का रूल है कि जब भी किसी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड किया जाता है या समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी तो हमेशा आंसर ज़ीरो निकलता है, यानी कि हम लोगों ने इमेजिन ही किया कि ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पॉइंट पर लामहदूद फासले पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो हमारा वर्क डन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में इस बॉडी पर हो रहा था वो इस लामहदूद फासले पर ज़ीरो हो जाता है। और इसी फिज़िक्स की लैंग्वेज में उस पॉइंट पर जहाँ पर जाकर जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए इस इन्फिनिटी पर, इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट पर जाने वाली एनर्जी को हम लोग एक और वर्ड देते हैं फिज़िक्स की लैंग्वेज में जिसे हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और अगर हम लोग इसे ज़मीन की सरफेस के ऊपर ही रख कर मैयर करें, यानी कि हम कहें कि हम ज़मीन की सरफेस के ऊपर ही अगर इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी हम आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जी एम ई डिवाइडेड बाय आर। ये सबसे आसान फार्मूला है, ज़मीन की सरफेस पे किसी बॉडी को रख दीजिए तो ज़मीन की सरफेस और ज़मीन के सेंटर से ज़मीन के सेंटर और इस बॉडी के सेंटर से जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो तकरीबन ज़मीन के रेडियस के बराबर ही है, क्योंकि तो इतनी छोटी है 200 kg ज़मीन के मुकाबले में तो कुछ नहीं, तो इसलिए हम लोग जो डिस्टेंस लगाते हैं वो हम लोग ज़मीन का रेडियस ही लगा लेते हैं।
तो ग्रेविटेशन, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी जिस्म पर वर्क की सूरत में तब की जाती है जब उसे हम लोग एक लामहदूद फासले तक ले जाएं, उस फासले पर जाके जब हम ये उस फासले तक ले जाएं जहां हम ये कह सकें कि इस पॉइंट पर आकर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो जाती है। इस पॉइंट को हम लोग एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आज के लिए हम लोगों ने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए के बारे में पढ़ा, यानी कि किसी भी रॉकेट को हम जमीन की सरफेस से बाहर भेजकर उसकी उस पर किया जाने वाला वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी बॉडी पर किया जाने वाला वर्क डन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो बिल्कुल ग्रेविटेशनल से ही रिलेट करती है। तब तक के लिए काफ़ी है।